नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो पिछले 2 महीने से आप लोग पूछ रहे हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आईए एक्चुअल में है क्या, आईए की नौकरी के बारे में डिटेल चाहिए आप लोगों को, आईए का प्रमोशन कैसे होता है, आईए की सैलरी कितनी मिलती है, आईए का काम क्या रहता है, डिपार्टमेंट कौन कौन से रहता है, तो ये जो सब चीज़ें हैं इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो लगभग मेरे पास में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने लगभग 18 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आईए की नौकरी बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने लगभग चीज़ इसमें क्लियर कर दी है। उसके बावजूद भी अगर लगता है कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इसके रिगार्डिंग रह गया है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो बिना वक्त खराब करे चलते हैं फटाफट आईए के जो पोस्ट है उसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने पूछा है, जो बता दूं कि ये आईए की पोस्ट एक्चुअल में स्टार्ट कब से हुई थी, तो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आईए की जो पोस्ट है जिसका पूरा नाम है इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, वो 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं DOIT&C, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डुविटम, तो उसके डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी चालू हुई थी। 2008 का बैच पहला हुआ था, जहाँ पे जो लोग 2008 में लग चुके थे वो सारे के सारे आज असिस्टेंट प्रोग्रामर, जो कि आईए के जस्ट ऊपर की जो पोस्ट है वहाँ पर उन सबका प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, तो 2008 में पहला बैच आया था, उसके बाद में 2011 में दूसरा बैच आया था, और उसके बाद में 2013 का बैच आया था जिसमें हम लोग लगे थे। 2013 में लगभग 6000 वैकेंसी का पहले बताया गया था, लेकिन लास्ट में जो सिलेक्शन हुआ था वो करीबन 4300 लोगों का हुआ था। 4300 लोगों के अलावा लगभग 150 से 200 लोग उन्होंने वेटिंग लिस्ट में से लिए थे, तो लगभग 4500 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो 450 का हुआ था 2011 के अंदर, और उससे पहले मिला के लगभग अपना जो स्टाफ है DOITC डिपार्टमेंट का वो लगभग 5500 से 6000 लोगों के बीच का स्टाफ है। ठीक है, तो 2008 में, 2011 में, 2013 में वैकेंसी निकली थी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंदर। अब बात आती है, एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो RRVUNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो वैकेंसी है आईए की, उसमें और ये जो RSMSSB बोर्ड की जो निकली है उसमें क्या फ़र्क है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो विद्युत विभाग में जो वैकेंसी निकली थी उसमें आईए की वैकेंसी पहले कभी भी नहीं थी, वहाँ पर आईए की वैकेंसी क्रिएट ही इस बार हुई है, और ये फर्स्ट टाइम ही है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट नाम की कोई पोस्ट क्रिएट होने के बाद में उसके लिए वैकेंसी निकली है। तो ये पहला ही अनुभव है बोर्ड के लिए भी। दूसरा, इन दोनों के बीच में काम करने का तरीका एकदम अलग होगा, क्योंकि बोर्ड जो होता है दोस्तों, उस बोर्ड के रूल खुद के कुछ अलग होते हैं। ये जो विद्युत निगम है ये एक बोर्ड है, बोर्ड में खुद के रूल कंप्लीटली अलग होते हैं। नो डाउट वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, लेकिन खुद के उनके रूल्स होते हैं, वो पहले उनको साथ साथ में फॉलो करते हैं। जैसे 7th पे लग गया, 6th पे लग गया, तो वहाँ पे वो लगता तो उसी प्रकार से, लेकिन कब लगता है वो अलग होता है। लेकिन गवर्नमेंट में जैसे DOITC, अगर आप RSMSSB बोर्ड के थ्रू DOITC के अंदर लगते हो, तो जैसे 7th पे लग चुका है तो आपका ऑन द स्पॉट जैसे सब डिपार्टमेंट लगेगा DOITC में भी लग जाएगा, और जैसे 8th पे लगेगा तो आपका 8th पे ऑन द स्पॉट सबके साथ लग जाएगा। तो थोड़ा सा जो मेरे हिसाब से जो बेनिफिट है वो RSMSSB बोर्ड के थ्रू जो आईए लगेंगे और DOITC में लगेंगे उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, एज ए इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट और प्रमोशन इन्वायरमेंट, इनमें उनको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो, RRVUNL के अंदर जो विद्युत विभाग में जो वैकेंसी आईए की ही जब जनरेट हुई है, तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्रामर की ACP की पोस्ट के बारे में तो कुछ अता पता नहीं है कि वो कब जनरेट होगी, कब क्रिएट होगी। हाँ, ये है कि जो लोग अभी उसमें आईए लग जाएंगे, हो सकता है बहुत जल्द उनको AP बना दिया जाए, असिस्टेंट प्रोग्रामर बना दिया जाए, या फिर प्रोग्रामर बना दिया जाए, ये उसके अंदर हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया कि मच बेटर अगर किसी बारे में कोई सोचे तो मच बेटर फिलहाल मैं कहता हूँ RSMSSB बोर्ड के जो आईए लगेंगे उनके लिए मच बेटर रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर होगी कि पोस्ट कब जनरेट हुई थी, क्या हुआ था, ये सब बता दिया मैं आपको। सेकंड चीज़ है सैलरी, भी पैसा सबसे बढ़िया, तो सबसे सबको ये लगी रहती है कि पैसा कितना मिलता है। तो पैसा बता दूँ, देखो प्रोबेशनरी पीरियड होता है 2 साल का, 2 साल के अंदर आपको एक फिक्स रेमुनरेशन मिलता है जो आईए के अंदर होता है 18,500 रुपये पर मंथ आपको रेमुनरेशन मिलेगा। ये आपके लिए तो बहुत आज के डेट में बहुत अच्छा कर दिया है, जब हम लोग लगे थे तो 8,950 रुपये था मात्र। तो ये आज अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि ये आज थोड़ा इतना बढ़ा दिया है, और LDC के लिए भी लगभग बढ़ा चुके हैं। तो ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद में जो आपको बेसिक पे बोलते हैं वो मिलती है आपके 26,300 रुपये, जो होता है लेवल 8 पर।
अब देखो सेवन्थ पे है, उसके अंदर से सब में क्या लेवल बना रखे हैं, 11, 8, 9, 10 ऐसे बना रखे हैं, तो वहाँ पर ग्रेड पे के अकॉर्डिंग लेवल होते हैं। तो आप उस लेवल में अपने आप को देख सकते हैं कि आपका अगला प्रमोशन क्या होगा। तो जब लोग गवर्नमेंट में आप आ जाओगे तो आपको स्वतः पता लग जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। लेकिन फिलहाल आपके नॉलेज की जो चीज़ है वो बता रहा हूँ आपको कि 2 साल तक 18,500 मिलेंगे, उसके बाद में आपको 26,300 बेसिक पे मिलेगी। और अब आपको बेसिक पे और पता नहीं आपको क्या, तो मैं आपको सीधा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 2 साल के बाद लगभग आपको इन हैंड सैलरी, जो आपको मतलब जो पैसा आपके हाथ में आएगा, लगभग 30,000 से 32,000 रुपये के बीच में आएगा। 32,000 के आसपास मान के चलो आपके 2 साल के बाद में इन हैंड आएगा। उसके बाद में जो ग्रोस है उसमें आप 4-5 हज़ार रुपये और जोड़ लो, तो लगभग 38-40 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। रफ आइडिया बताया मैंने, और क्योंकि मैंने जस्ट इसी समय से कैलकुलेट किया, अगर मैं रील में कैलकुलेट करूँगा तो हो सकता है 2-3 हज़ार ऊपर नीचे का फर्क आ जाए, लेकिन रफ आइडिया मैंने बता दिया आपको ये रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक सैलरी का क्लियर हो गया क्या होना है। तीसरी चीज़ चलते हैं प्रमोशन पर, कि प्रमोशन में क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको पहले से इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो होता है उसके जस्ट ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है असिस्टेंट प्रोग्रामर, जिसका ग्रेड पे होता है 3,600 ग्रेड पे होता है, जो कि एक थर्ड ग्रेड टीचर का ग्रेड पे होता है, सेम वही ग्रेड पे होता है, उतनी की उतनी सैलरी मिलती है असिस्टेंट प्रोग्रामर को। असिस्टेंट प्रोग्रामर की जो पोस्ट है वो 100% प्रमोशन पोस्ट है। इसका मतलब जो लोग आईए लगे हैं वो लोग ही असिस्टेंट प्रोग्रामर यानी एपी बनेंगे, उनमें डायरेक्ट कोई प्रकार से भर्ती नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हमसे जो सीनियर हैं वो सब लोग उनको डीपीसी बोलते हैं, उनकी डीपीसी हो चुकी है लगभग लोगों की, और वो असिस्टेंट प्रोग्रामर बन चुके हैं, हमारा नंबर कभी भी आ सकता है। तो ये एक रूटीन चलता है। अब आप लोग आओगे तो आप लोग जो भी आइए अब सिलेक्ट होंगे आरएसएम एसएससी बोर्ड के थ्रू डूआईटीसी के अंदर, वो क्या करेंगे, उनसे पहले के जो लोग लगे हुए हैं उनको पहले असिस्टेंट प्रोग्रामर बनाएंगे, उसके बाद उनका नंबर आएगा। तो ये जस्ट बात तो हो गया असिस्टेंट प्रोग्रामर। असिस्टेंट प्रोग्रामर के अगली जो पोस्ट होती है वो है प्रोग्रामर, जो होती है 4,800 ग्रेड पे की, 4,800 ग्रेड पे की, वो एक गस्टेड अधिकारी की पोस्ट है। और जो ब्लॉक होते हैं उनको वहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कि एक बीकानेर है, बीकानेर में 6-7 ब्लॉक है, तो उन हर ब्लॉक के अंदर एक प्रोग्रामर को लगाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्रामर को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, तो वो होगी 4,800 ग्रेड पे की जॉब होगी। उसके बाद डायरेक्ट जो अगली जॉब है वो है ACP, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जिसको बोलते हैं उपनिदेशक हिंदी के अंदर, वो होती है दोस्तों 6,600 ग्रेड पे की, और वो भी दोस्तों डायरेक्ट होती है, प्रोग्रामर भी डायरेक्ट होती है। प्रोग्रामर के अंदर अब हम लोगों को जैसे जो भी आईए लगे हुए हैं उनको प्रमोशन का चांस मिलता है, 30% या 33% जो उसमें जो कोटा होता है वो उन लोगों को होता है जो DUITC के एम्प्लॉई है। और उसके प्रोग्रामर के बाद की जो पोस्ट बताई मैंने आपको क्या होगी, ACP, जो पूरे जिले को कंट्रोल करते हैं। तो जिले में बेसिकली 2 या 3 या 4 मैक्सिमम ACP होते हैं, उससे ज़्यादा ACP नहीं होते हैं। और आज की डेट में ACP की जो सैलरी है वो लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास है। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखो, ACP की अगर पोस्ट निकलती है तो आप ACP की तैयारी करिए, डायरेक्ट ACP भी आप लग सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही उसमें आपको नौकरी मिलती है, अदरवाइज खाली एग्जाम पास नहीं होता, उसमें एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ थी इसमें प्रमोशन के बारे में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि प्रमोशन बता दिया मैंने आपको, जो इसका जस्ट अगला प्रमोशन आई है का वो असिस्टेंट प्रोग्रामर, जो कंप्लीट डिपार्टमेंट प्रमोशन है, उसमें बाहर का कोई भी बंदा आप उसमें एंटर नहीं ले सकते, जो लोग आइए लगे हुए उन्हीं को प्रमोट करके असिस्टेंट प्रोग्रामर बनाया जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे वर्क। आइए का वर्क क्या होता है दोस्तों, आइए का वर्क और आइए का प्रमोशन सॉरी जो लोकेशन है जॉब, वो बता दूं मैं क्या है। आइए का वर्क LDC से ऊपर है। LDC का वर्क क्या है, उसके लिए आपको पता रखना पड़ेगा कि LDC क्या है। LDC का काम पता है, रोज़मर्रा के ऑफिस के जो काम होते हैं, जैसे लेटर लिखना हो गया या फिर आपको फाइलें कवर करना हो गया, ये जो काम LDC के होते हैं, इससे ऊपर का काम वो है IA। उनको क्या करेगा, टेक्निकली करेगा। जैसे कि एक LDC को ये नहीं पता है कि कंप्यूटर में किस प्रकार से कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, उसको एक ऑफलाइन काम ज़्यादा पता है, भी फाइलों को कैसे मैनेज करना है उसको ये बताया। आइए को ये बताया कि फाइलों को कंप्यूटर में कैसे मैनेज करते हैं। तो कुल मिला के एक LDC का जो एक सिनेरियो है उसको चेंज करते हुए आइए बनाया गया है। तो आज हालत ये होगी है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर LDC से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की डिमांड होती है। मैं ये नहीं कहता कि LDC जो है IA से नीचे हैं या IA हैं जो LDC से नीचे हैं, दोनों अपने अपनी जगह एकदम बेस्ट है। LDC का काम जो है वो भी परफेक्ट है। एक IA LDC का कंप्लीट काम नहीं कर सकता और एक LDC IA का कंप्लीट काम नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने ये पोस्ट इस प्रकार से रखी है ताकि डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर की आज ये जो पूरा युग बना है उसके अंदर
कंप्यूटर किस प्रकार से मैक्सिमम यूज़ ले सके उसके लिए एक आईए की पोस्ट क्रिएट की गई है। इसीलिए दोस्तों इनका जो आईए का वर्क है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर है। तो लगभग जो आपके दिमाग में डिपार्टमेंट आता है उनमें से 95% डिपार्टमेंट में आईए की पोस्ट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बीमा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो SIPF हो, चाहे वो बस स्टैंड के रोडवेज के हो, चाहे वो अपने यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो अपने पंचायत समितिज हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, SDM ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, लगभग हर जगह इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट का जॉब रहती है और उनका काम यही रहता है टेक्निकल। इसके रिगार्डिंग जो DYTC डिपार्टमेंट के जो अपने प्रमुख मुख्य शासन सचिव है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं, वो श्रीमान अखिल अरोड़ा जी, उन्होंने 2016 में एक लेटर निकाला था, आई थिंक मुझे 2016 याद है, दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा मैं। उन्होंने उसमें बताया था कि जो इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट का जॉब है वो टेक्निकल जॉब है, इनको LDC का द्वारा जो काम किया जाता है वो नहीं करवाया जाए। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि रियल में इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट का काम है जो LDC से ऊपर है, और वो काम है वो कागजी काम नहीं है, सारा कंप्यूटर काम है। तो आईए के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कंप्यूटर में आपको अपना ऑफिस का सारा काम मैनेज करना पड़ेगा। जैसे छोटा मोटा एग्जांपल बताऊँ, रोज़मर्रा की जो मेल्स आती हैं उनको चेक करना होगा, आपके जो प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ई मित्र के प्रोजेक्ट संभालता हूँ, तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिगार्डिंग सारा काम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और उनको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक बात दिमाग में आप डाल के रखिए कि इसके लिए कोई आपको स्पेशल कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इस जॉब के लिए, बस इतना है कि जो आपने सीखा है कंप्यूटर के अंदर वो आपको क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल जो कंप्यूटर के वो एकदम आपको क्लियर होना। ऐसा नहीं है कि आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो, आपको ये और किसी से आप ये पूछो कि ईमेल कैसे बनाते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो लगता है उसके लिए सब चीज़ें नॉर्मल होती है। तो ये एक टेक्निकली काम आईए का रहता है हर डिपार्टमेंट के अंदर, और ये काम अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है चेंज हो जाता है। मैं अगर अब ये बोल दूँ कि मुझे सारे काम पता है तो सारे काम तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सैकड़ों डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग आईए काम करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द काम जो कंप्यूटर पर होता है वही काम आईए करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट बता दिया मैंने, कार्य डिपार्टमेंट दोनों बता दिए। अगला है विच इज़ बेटर, LDC और आईए। तो देखो इसका मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं बेटर की बात करूँ तो आईए बेटर है, उसका एकमात्र एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि आईए की सैलरी LDC से ज़्यादा है, क्योंकि LDC का ग्रेड भी होता है 2400 और आईए का ग्रेड होता है 2800, तो एज ए UDC की तरह आईए काम करता है। तो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, पैसों के अकॉर्डिंग आईए का काम नो डाउट ज़्यादा होता है। दूसरी बात, एक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो होता है आईए होता है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, और वह यही चाहता है कि उसके सामने जो काम आए इन फ्यूचर वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो इसलिए वो कंप्यूटर में जो काम होता है उनको प्रिफ्रेंस देता है। तो अब LDC और आईए दोनों की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होगा वो क्या बोलेगा, मुझे आईए की जॉब पसंद है, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा वो कहेगा मुझे LDC की जॉब पसंद है। तो दोनों अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन इसका आंसर हाँ या ना मिलूँ तो मैं इसका आंसर हाँ में देता हूँ कि यस, आईए की जॉब इज़ बेटर देन LDC बिकॉज सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं, पोस्टिंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, होम टाउन कैसे मिलता है। पोस्टिंग देखो दोस्तों, ऑटोमेटिकली जो डिपार्टमेंट है वो खुद करता है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई एप्लीकेशन लगी आपको वहाँ पे लगा दिया जाएगा, नहीं होता। दूसरी बात, आपकी जो रैंक बनती है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलती है, और कहाँ कहाँ होती है इसका सीधा आंसर ये, कहीं पर भी हो सकती है, पूरे राजस्थान के अंदर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, ये दिमाग में आप बात डाल के रखना। ऐसा नहीं है कि आपने जिस टाउन से भरा है, जिस जिले से भरा, आप सोच रहे मुझे वहीं पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो नो डाउट आपको मिल सकती है, लेकिन आपसे पहले जो गर्ल्स हैं या फिर जो अदर कैटेगरीज के लोग हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। तो कुछ सब मिला के मैं इतना कह सकता हूँ कि कहाँ मिलेगी ये कुछ पता नहीं है, कहीं पर मिल सकती है, लेकिन नो डाउट डिपार्टमेंट वाले यही सोचते हैं कि जो जिस टाउन से है उसको वहीं पे रखा जाए ताकि वो फालतू में परेशान ना हो और अपना काम एफिशिएंट से कर सके, इसलिए ज़्यादा डिपार्टमेंट वाले परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है, डिपार्टमेंट में DYTC में मंत्री कौन है और कौन देखता है। तो देखो डिपार्टमेंट में से इसमें जो डिपार्टमेंट है DYTC, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका कोई भी मंत्री नहीं है, ये कंप्लीटली माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के अंडर में आता है। और दूसरा बताया मैं, उनके जस्ट नीचे जो काम करते हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर श्रीमान अखिल अरोड़ा जी हैं, वो सारा काम देखते हैं। तो होल एंड सोल जो है, अगर बात करूँ मैं एक, तो वो हैं अखिल अरोड़ा सर हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं, और उनके ऊपर अगर कोई है तो वो है अपने माननीय मुख्यमंत्री मोदी। ठीक है, तो ये किसी स्पेसिफिक मंत्री महोदय के अंडर में नहीं आता है, ये अपने मुख्यमंत्री के अंडर में ही आता है। अगला है,
गोपाल कुमावत वाला केस का क्या हुआ सर? तो जिनको नहीं पता है गोपाल कुमावत का बता दूं मैं क्या केस है। गोपाल कुमावत जी एक शख्स है जिन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट पर एक केस कर रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रोबेशन के अंदर जो 2 साल का प्रोबेशन होता है वहाँ पर किसी भी नौकरी के अंदर आप सैलरी बहुत कम देते हैं। जैसे बताया मैंने 18,500 मिलती है और पहले तो और कम मिलती थी। तो उनका अकॉर्डिंग ये है कि ये जो सैलरी बहुत कम है रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप जब उनसे काम पूरा करवाते हो तो उनको सैलरी पूरी दो। तो ये जो पूरा मैटर है वो हाईकोर्ट में चला था, हाईकोर्ट से अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट में गोपाल कुमावत जी की टीम जो जीत चुकी है, अब ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कभी भी इसका फैसला आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसका फैसला आता है तो देखते हैं इन फ्यूचर तो कंफर्म हो जाएगा कि दो प्रोबेशन पीरियड में सैलरी है वो फुल मिलेगी, और अगर ये रिजल्ट नहीं आता है तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो फिलहाल पिछले साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ ये केस चल रहा है, और यही सुनने में आता है कि अगले महीने सोल्व होगा, अगले महीने सोल्व होगा, लेकिन अभी तक ये केस चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी विद योर जॉब? ये क्वेश्चन पूछा है अमित रंगावन ने। देखो इसका आंसर मैं ये बताऊं कि देखो हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो जॉब को किस प्रकार से लेता है। अगर आप मुझे ये पूछो कि आप अपने जॉब से हैप्पी है, तो मैं अपने जॉब से हैप्पी भी हूँ, अनहैप्पी भी हूँ। दोनों रीज़न क्या है? हैप्पी इसलिए हूँ कि आज मैं जब देखता हूँ कि बाहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो एक रेपुटेड जॉब है, और मैं एक मेंटली फ्री हूँ कि हाँ भाई मुझे आज ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पैसे लाऊं। मुझे गवर्नमेंट महीने के 30-35 हज़ार रुपये देती है, तो एटलीस्ट मेरा खाना पीना उसमें आराम से मज़े से हो जाता है, तो मुझे उस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन नहीं रहती है, तो मैं नो डाउट हैप्पी हूँ। दूसरी बात, ये टेक्निकल जॉब है, कंप्यूटर के आपको कंप्यूटर मिलते हैं, इंटरनेट मिलता है, तो आप जो टेक लवर होता है उसको यही चाहिए कि दिन भर उसके पास में कंप्यूटर या फिर गैजेट्स रहे, उसके साथ काम करता रहे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हैप्पी हूँ। लेकिन बात करें कि अब आगे की, जैसे अब मुझे 5 साल हो गए इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट लगे हुए, लेकिन अभी तक भी जो प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है, जो मेरा मेन टारगेट है, वो अभी तक नहीं निकली है वैकेंसी। तो मेरे दिमाग में बस ये रहता है कि कब प्रोग्रामर की वैकेंसी निकलती है, कब मैं प्रोग्रामर में सेलेक्ट होता हूँ और मैं आईए से प्रोग्रामर में स्विच कर दूँ। बस उसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा 1% दिमाग में मेरे अनसेटिस्फैक्शन रहता है, अदरवाइज आई एम फुली हैप्पी विद द जॉब ऑफ आईए। ठीक है, अगला है, अगर हम अभी ज्वाइन करें तो 10 साल बाद कहाँ होगा? ये भी क्वेश्चन अमित रंगावन ने पूछा है। तो देखो अगर आप अभी ज्वाइन करो तो 10 साल बाद के बाद मैं सोच रहा हूँ आप एटलीस्ट कुछ लोग प्रोग्रामर बन जाएंगे और कुछ लोग असिस्टेंट प्रोग्रामर तो एटलीस्ट बन ही जाएंगे। तो ये है आज से 10 साल बाद का सीन, क्योंकि आपसे पहले अभी करीबन 5,000 लोग और हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, पहले उनका प्रमोशन होगा, उसके बाद जो नए लोग लगे हैं उनका प्रमोशन होगा। तो 10 साल के बाद में लगभग लोग असिस्टेंट प्रोग्रामर पे, और जो सीनियर लोग थे जो टॉप रैंकिंग में थे वो प्रोग्रामर के अंदर, उनका मुझे लग रहा है हो जाएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोग्रामर तो लगभग हो ही जाएगा। बाकी सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फर्दर एग्जाम्स की तैयारी करिए और डैट वहाँ पर सिलेक्शन करवाने की कोशिश करें, केवल प्रमोशन पर वेस्ट ना रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैलरी टाइम पर आती है या नहीं? ये क्वेश्चन पता नहीं किसने पूछा है। भैया सैलरी जो है टाइम पर आती है, कभी ऐसा नहीं होता, हर 1 या 2 तारीख को सैलरी आपके खाते में जमा हो जाती है। कुछ स्पेसिफिक रीजन से अगर होता है तो अलग बात है, वो अलग रेयर केस है, अदरवाइज सैलरी बराबर आती है। कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपको 10-10-20 दिन तक सैलरी लेट देती है या फिर 1-2 महीना लेट देती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर बार सैलरी टाइम पर आती है। आरएस की अदर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा क्या? देखो ये डिपेंड करता है आप पर, प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा ये आपको निकालना टाइम। कुछ लोग जो टाइम निकालते हैं वो अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, वो चाहे सुबह 5 बजे से पहले पढ़ लो, चाहे वो आपको 2 घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, तो उसमें पढ़ाई कर लेते हैं। तो वो देखो डिपेंड करता है आप पे, अगर आप किसी के पास 10 घंटे होते हैं दिन में तो भी पढ़ाई नहीं करता, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो मेरे हिसाब से टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपका जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है, तो आप सुबह पढ़ सकते हैं 2 घंटे, आप चाहो तो वापस आके रात को 2 घंटे पढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से टाइम मिल जाता है। लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछा है आरएस की एग्जाम के लिए, देखो आरएस के एग्जाम के लिए पढ़ाई अच्छी बहुत करनी पड़ती है, एटलीस्ट दिन में 8-10 घंटे देने पड़ते हैं, तो वो डिपेंड अब आप पे पड़ता है किस प्रकार डिपार्टमेंट मिलता है आपको, डिपार्टमेंट में कितना काम रहता है, तो ये सब चीज़ें देखो उस पर डिपेंड करती है। इसका आंसर मैं दे दूँ तो मुझे लगता है कोई इसका जस्टिफाई कर सकता हूँ इस आंसर का, लेकिन ये है कि देखो टाइमिंग बता दिया 9:30 से 6 है, तो आपको टाइम तो नॉर्मली मिल जाता है। अब पर्टिकुलर आरएस आईएएस के लिए टाइम मिलता है ये मैं नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेशन में लीव्स कितनी मिलती है और उसके बाद कितनी मिलती है? तो देखो जो छुट्टियाँ हैं दोस्तों वो प्रोबेशन में मिलती है 12 मिलती है आपको। सीएल बोलते हैं कैजुअल लीव, मतलब आकस्मिक अवकाश, आगे घर में आपको काम हो गया तो आपको एक सीएल मिलती है, वो 12 सीएल मिलती है आपको, 1 साल में 1, 2 साल में 2, तो यानी 24 मिलगी।
तो 2 साल में 24 छुट्टियां आपको मिलती है जिसके आपके पैसे नहीं कटते हैं। उसके अलावा अगर आप छुट्टियां लेते हो तो उसके आपके पैसे कटते हैं। 2 साल तक ये सिस्टम रहता है। उसके बाद दोस्तों छुट्टियां बहुत हो जाती है। वैसे भी 2 साल तक छुट्टियां देखो ये जो है वो 5-day week है। जो कई नॉर्मली 95 departments में ये 5-day week है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आइए कि जो जॉब है वो 6 days है। शनिवार को भी वहाँ पर काम होता है। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट्स के कुछ हैं वहाँ पर भी शनिवार को काम होता है। तो नॉर्मली क्या है जो आपको इसमें जो छुट्टियाँ हैं वो इस प्रकार से कि 52 तो हो गए आपके हफ्ते, 52 हो गए हफ्ते, तो एक हफ्ते में 2 छुट्टी होगी तो 104 छुट्टी तो सीधी होगी आपकी। समझ में आ रहा है? 52 हफ्ते, साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो एक हफ्ते में 2 छुट्टी, सैटरडे संडे, साल में कितनी होगी? 104 छुट्टी तो होगी। 15 मिलती है फिर आपको CL, कैजुअल लीव, यानी आपको आकस्मिक अवकाश, घर में कोई काम हो गया तो 15 छुट्टी आपको वो मिलती है। 30 मिलती है आपको PL, पे लीव जिसे बोलते हैं। मतलब अगर आपने 30 छुट्टियाँ ले ली अगर आपने तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा तो नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने वो छुट्टियाँ नहीं ली और आपके अकाउंट में वो छुट्टियाँ जमा होती गई, तो जब आपका रिटायरमेंट होता है तो 300 छुट्टियों का उस समय एक दिन की जो तनख्वाह होती है वो इंटू 300 आपको उतना पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आज से 20 साल, 35 साल, 25-30 साल बाद जब आपका ट्रांस वो रिटायरमेंट होगा, उस समय एक दिन की सैलरी अगर आपके 3,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 300 छुट्टियाँ होंगी, तो 3,000 × 300 कर लो, उतना पैसा आपको मिलेगा। इसलिए लोग उन छुट्टियों को रिजर्व रखते हैं, कम से कम खर्च करते हैं। लेकिन आप चाहो तो ले सकते हैं, उसको लेने के बाद आपके पैसे नहीं कटते हैं, सैलरी आपको पूरी मिलती है। तो 104 तो वो होगी, 15 होगी आपकी जो CL होगी, और 30 होगी आपकी PL। उसके अलावा 20 मिलती है आपको HPL, हाफ पे लीव जिसे बोलते हैं मेडिकल लीव। अगर आप मेडिकल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो 10 दिन एटलीस्ट आप मेडिकल में रह सकते हो, उसके लिए आपका पैसा नहीं कटता है। उसके अलावा लेडीज़ के लिए जो मैटरनिटी लीव है, जो चाइल्ड केयर लीव है, जो 2 साल तक गवर्नमेंट ने भी कर दिया, वो सब उसके अंदर अप्लीकेबल होती है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो आपको छुट्टियों में पता लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल प्रोबेशन का पूछा, प्रोबेशन में और बता दिया मैंने, इतनी छुट्टियाँ इसके अंदर मिलती है। प्रोबेशन में मैटरनिटी लीव मिलती है क्या? यस, मिलती है प्रोबेशन में। अगर आप किसी लेडीज़ को अगर प्रेगनेंसी में के बाद में अगर उस बच्चा होता है तो उसको मैटरनिटी लीव भी मिलती है। अगला है, कोई बॉन्ड वगैरह होता है क्या जो जॉब लगते समय? देखो ऐसा मॉम से तो कोई प्रकार का बॉन्ड नहीं भरवाया गया था। अब कोई कागजों में साइन करते भर दिया तो मुझे पता नहीं है, बाकी नॉर्मली मुझे जहाँ तक ध्यान में कोई बॉन्ड नहीं भरवाया गया था, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था। हाँ ये है कि विद्युत विभाग के अंदर ऐसा सिस्टम मैंने सुना है कि वहाँ पर जब जॉब लगते हैं और वहाँ से जब छोड़ते हैं तो उनको बॉन्ड भरवाया जाता है पहले, और अगर जॉब छोड़कर कहीं स्विच करते हैं तो उनको उतना पैसा जमा करवाना पड़ता है। ये हुआ है, सुना क्या मैंने, देखा है रियल में लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने विद्युत विभाग से DUITC के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके साथ ऐसा हुआ था। तो ये मेरे हिसाब से DUITC के अंदर जो RSMSSC बोर्ड जो ले रहा है एग्जाम, उसके थ्रू, मुझे नहीं पता यहाँ पर इस प्रकार का बॉन्ड का सिस्टम है। लेकिन जो RRVUNL के द्वारा जो IL लगे हैं उसके अंदर बोर्ड के अंदर जो ये बॉन्ड का सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मी शायद होना चाहिए। तो वो तो अब जो रिक्रूटमेंट करेंगे फाइनल तब पता लगेगा कि बॉन्ड उनके अंदर इस बार रखा है या नहीं रखा, ठीक है। फिलहाल अभी कोई बॉन्ड का सिस्टम DUITC में नहीं है। नेक्स्ट है, जॉब ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग मिलती है क्या? नॉर्मली कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, एक सिंपल 5 दिन की ट्रेनिंग मिलती है जिसके अंदर आपको बेसिक RSR राजस्थान सर्विस रूल्स के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी आपके रूल्स के बारे में पता होना जरूरी है आपको नौकरी के अंदर, उसके बारे में बताया जाता है नॉर्मली, और कुछ बताया खास बताया नहीं जाता। क्योंकि देखो ये काम ऐसा है कि दिन भर अपने यही काम करते हैं, मेल चेक करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते रहते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, एक्सेल में काम करना, वर्ड में काम करना, ये हम रोज करते रहते हैं। ये चीज़ कर करके तो हम एग्जाम पास किया है, तो हमें कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो ऑफिशियल रूल्स रेगुलेशन के उसके लिए हमें जैसी ऑफिस में हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सीनियर्स है वो हमें 5-7 दिन में सब कुछ बता देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें होती है, ऑफिस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग के मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस केस में जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे DUITC जो है वो अपने हेडक्वार्टर जयपुर बुलाती है और IA को ट्रेनिंग देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 6 डे है या 5-day week है। तो दोस्तों मैंने बताया मैंने आपको कि जो कुछ जगह पर ये 6-day week है, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 5-day week है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, जैसे मैं हूँ तो मेरे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। बाकी जो मेडिकल डिपार्टमेंट में आई थिंक उनके तो 6-day week ही है, उसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट हो रहे हैं जहाँ पर 6-day week चलता है, अदरवाइज 5-day week है एज ए जो मल्टीनेशनल कंपनी में होता है, ठीक उसी प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलेगी? ये हालांकि सेलर क्वेश्चन है लेकिन इसमें आगे मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी का देखो ऐसा है दोस्तों, अभी बहुत सी पोस्टें इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की वैकेंट है, तो कुछ लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन ही है कि पोस्ट इंक्रीज हो रही है कि नहीं, दोनों का आंसर साथ में दे देता हूँ मैं, कि जो वो वैकेंसी खाली है उनके लिए अभी डिपार्टमेंट में दबाव बनाया जा रहा है।
दबाव बनाने के लिए ये रीज़न है कि जो पोस्टें वैकेंट हैं उनको अभी इसी बार ही निकाल दी जाए ताकि लोगों को दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वैसे भी ये जो पोस्ट है आज करीबन 5 साल बाद निकली है। तो ये एक प्रकार का दबाव है, चुनाव का समय हो सकता है जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो जाए। फिलहाल अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों। इसमें कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं उड़ती खबर दे रहा हूँ, मुझे पता है कौन दबाव बना रहा है, किन लोगों ने ज्ञापन दिया है, मुझे उनको उनका भी पता है, और वो लोग अभी अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट इंक्रीज हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, आई थिंक सरकार इस पे कोई कदम उठाएगी, पोस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन आज की डेट के अंदर ऐसा कोई भी मेरे सुनने में नहीं आ रहा कि पोस्ट इंक्रीज हो रही है। ये आज का बता रहा हूँ मैं, इन फ्यूचर जो होगी मैं आपको उसके लिए अपडेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट वैकेंसी कब निकलेगी और पोस्ट इंक्रीज हो, दोनों का इसमें मैंने आपको आंसर बता दिया है। तो दोस्तों आई थिंक पूरे हो गए हैं 18 क्वेश्चन सारे हैं जो सब मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर और रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मेल, आप मुझे मेल कर दोगे तो मैं मेल के अंदर उसका आंसर दे दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट में दूंगा, कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सब लोगों को उस कमेंट के बारे में पता लग जाए कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसका क्या आंसर दिया, ताकि बाकी सबका भी जो उसमें क्लियर हो जाए जो उनका आंसर वो चाहते थे। तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन अगर नहीं है तो ही मुझे उसके बारे में मिल करा, अदरवाइज ये पूरा आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखा होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत दिनों से पूछा जा रहा क्वेश्चन था कि आइए कि जॉब के बारे में कंप्लीट बताइए, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें कि ताकि जो लोग अब आइए बनने जा रहे हैं उनको लिए भी एक पता रहे कि वो क्या चीज़ अभी फ्यूचर में जाकर देखेंगे, क्या उनके साथ होने वाला है, कौन कौन से एनवायरनमेंट में वो रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा शेयर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी भी अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।